Very good morning, children. Most welcome in this book reading session. Yes, sir. Today you have to study lesson 6 named Vivek Goes to School. Let us learn value of school. आज हम लोग स्कूल के मूल्य के बारे में अध्ययन करेंगे. विवेक अपने विद्यालय जाता है और उसे अपने स्कूल का वैल्यू पता चलता है, अपने स्कूल के मूल्य की अनुभव होती है, उसके बारे में इसमें जानेंगे. लेट अस पार्टिसिपेट इन दिस बुक रीडिंग सेशन. विवेक इज फीलिंग वेरी नर्वस. विवेक बहुत नर्वस महसूस कर रहा है. टुडे इज हिज फर्स्ट डे एट स्कूल. आज उसका विद्यालय में पहला दिन है, मतलब आज वह प्रथम बार स्कूल जा रहा है. हीज मदर हैज़ कम टू ड्रॉप हिम टू हिज क्लास. और उसकी माँ उसे कक्षा में छोड़ने आई हैं. सी हैज़ पैक्ड सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स. और उसकी माता जी उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविच पैक कर दी हैं. व्हेन दे रीच द क्लासरूम, जब वे क्लासरूम में पहुँचते हैं, विवेक्स मदर सेज, तो विवेक की माता जी कहती हैं बाय टू हिम एंड गोज. और वो उसे बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती हैं. हिज टीचर इज मिसेस सिंह. उसकी शिक्षिका का नाम है मिसेस सिंह. सी इज वेरी नाइस. वो बहुत अच्छी हैं. सी इज ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग. वो हमेशा खुश रहती हैं और मुस्कुराते रहती हैं. आप देख सकते हैं ये मिसेस सिंह हैं, जो एक अध्यापिका हैं, टीचर हैं, और ये विवेक है, और ये इमाम हैं जो उसे कक्षा कक्ष में छोड़ने आई हैं, यानी क्लासरूम में इसे ड्रॉप कर रही हैं. और ये उसकी शिक्षिका हैं, ये इसे रिसीव कर रही हैं, और ये अब बाय कहकर अपने घर को जा रही हैं. और बच्चे यानी छात्र छात्रागण अपने कक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं. इसी तरीके से हम इसके अगले पंक्ति को देखते हैं. द चाइल्ड सिटिंग नेक्स्ट टू विवेक इज कवीश. और विवेक के बगल में जो विद्यार्थी बैठा है उसका नाम है कवीश. विवेक एंड कवीश से हेलो टू ईच अदर. वे एक दूसरे को हेलो कहकर संबोधित करते हैं. विवेक भी कवीश को हेलो कहता है और कवीश भी विवेक को हेलो कहता है. द फर्स्ट पीरियड इज ऑफ आर्ट. पहली पीरियड जो है वो आर्ट की है. द टीचर टेल्स देम टू ओपन देयर ड्राइंग बुक्स एंड आस्क देम टू ड्रॉ ए कैट. तो उसकी जो शिक्षिका है वो कहती हैं कि तुम लोग अपना ड्राइंग बुक निकालो और एक बिल्ली की चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो. दे ड्रॉ ए कैट एंड कलर इट. वे लोग एक बिल्ली का चित्र ड्रॉ करते हैं और उसमें रंग भरते हैं. टीचर सेज वेरी गुड. तो शिक्षिका उनको कहती हैं वेरी गुड टू विवेक. वो विवेक को कहती हैं वेरी गुड. शिक्षिका विवेक को कहती हैं वेरी गुड. और सब अभी लगे हुए हैं और लोग कर ही रहे हैं. विवेक हेल्प्स कवीश विथ हिज वर्क. और विवेक जो है कवीश को भी आर्ट वर्क में मदद करता है. वह कवीश को मदद करता है. विवेक एंड कवीश आर नाउ फ्रेंड्स. और इस तरह से विवेक और कवीश अब दोस्त बन गए हैं. वे एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं. एट ब्रेक टाइम एवरी वन गोज आउटसाइड एंड प्लेज विथ ए बॉल. ब्रेक टाइम में सभी लोग बाहर आते हैं और खेलते हैं. विद्यालय से बाहर आप प्ले ग्राउंड है, वहाँ पर वो लोग खेलते हैं. किससे? एक गेंद से. देन दे ईट फ्रॉम दियर टिफिन. उसके बाद वो लोग अपना टिफिन करते हैं, अपने अपने टिफिन बॉक्स से निकालते हैं अपना लंच और लंच करते हैं. विवेक इन्जॉयज हिज सैंडविच. और विवेक अपना सैंडविच निकालता है और मज़े से खाता है. एट द एंड ऑफ द डे विवेक्स मदर इज वेटिंग एट द गेट. और जब विद्यालय में वो क्लास समाप्त हो जाता है तो उसकी माँ जो होती है वो गेट, विवेक की माँ गेट पर इंतज़ार कर रही होती है. एज दे वॉक ही टेल्स हर अबाउट हिज न्यू फ्रेंड्स एंड हाउ दे हैड ए ग्रेट टाइम प्लेइंग एंड हेल्पिंग ईच अदर इन क्लास.
जब उसकी माँ उसके पास टहलते हुए पहुँचती है तो वो बताता है कि आज दिन भर वे कैसे समय यापन किए और किस तरीके से वे एक दूसरे को मदद करते हुए अपने कक्षा कक्ष में समय व्यतीत किए। विवेक इज फीलिंग हैप्पी और अब विवेक अच्छा महसूस करता है, खुश महसूस करता है। ही टेल्स हिज मदर, वो अपनी माँ से कहती है दैट ही लाइक्स स्कूल वेरी मच, वो कहता है कि मुझे स्कूल बहुत पसंद है। कौन कहता है? विवेक कहता है अपनी माँ से मुझे स्कूल बहुत पसंद है। अब हम जानेंगे सम रूल्स फॉर स्कूल, स्कूल के कुछ नियम हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट, अपने शिक्षक वृंद का आदर करें और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्रागण हैं, उनका आदर करें। विद्यालय जब आप जाएं तो अपने शिक्षक वृंद का और छात्र छात्रागण का स्वागत, उनका सम्मान करें। नेवर स्पॉयल स्कूल प्रॉपर्टी, और स्कूल की जो संपत्ति है उससे बर्बाद ना करें। लिसन केयरफुल्ली व्हेन द टीचर इज स्पीकिंग, और जब शिक्षक वृंद बोल रहे हैं तो होते हैं उनके बात को ध्यानपूर्वक सुने। ऑलवेज वर्क क्वाइटली, और हमेशा शांतिपूर्वक कार्य करें। ऑलवेज पुट योर हैंड अप व्हेन यू वांट टू स्पीक, और जब तुम्हें कक्षा कक्ष में कुछ बोलना हो तो अपने हाथ को ऊपर उठाओ। स्टे इन योर चेयर अनलेस यू हैव आस्क्ड फॉर परमिशन टू गेट अप, और अपने कुर्सी पर तब तक, अपने बेंच पर तब तक बैठे रहो जब तक कि तुम्हें उठने की अनुमति ना मिले। ठीक है, अपने शिक्षक वृंद से जब तक आपको खड़े होने की अनुमति नहीं मिले तब तक आप अपने कुर्सी पर यथावत बैठे रहेंगे। इतने रूल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम लोग अगली कड़ी में और भी विद्यालय के रूल की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज आपने सीखा कि विद्यालय का प्रथम दिन विवेक के लिए कैसा रहा और उससे उन्हें कैसा अनुभव हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।